शी जिनपिंग और शहबाज शरीफ ने भारत के खिलाफ बहुत बड़ा आसमानी षड्यंत्र किया है, लेकिन भारत के दुश्मनों के षड्यंत्र की जमीन तैयार हो पाती इससे पहले ही भारत सरकार उसका करारा जवाब देती नजर आई है। 21वीं सदी भारत की और पांचवी पीढ़ी के अमेरिकी लड़ाकू विमान F-21 ने चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ा दी। 22 रैप्टर और F-35 लाइट टैंक जैसे दुनिया के सबसे आधुनिक तेज से आक्रामक से शक्तिशाली से विध्वंसक फाइटर जेट बनाने वाली अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर उसके फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट F-21 को फॉर इंडिया और फ्रॉम इंडिया और हमारे पैसे हजम करके खा के अमेरिकन ने अड़ंगे लगाने शुरू कर दिए हैं, वो इंजन नहीं सप्लाई कर रहे साहब। मारोगे F-21 से। और दोस्तों देखिए कि मोदी क्या कह रहा है कि 21वीं सदी किसकी है, इंडिया की है, और वो किससे। ये फिफ्थ जनरेशन तैयार है जो F-21 फिफ्थ जनरेशन के करीब तक तैयार है, फिफ्थ जनरेशन तो नहीं है, वो अमेरिका से खरीदने का मुआहदा करने वाले थे और दोस्तों पैसे भी दे दिए लेकिन बेचारों को तैयारे नहीं मिले और मोदी ने पहले ही भड़के मारना शुरू कर दी। हमें तो ये धमकियां चली इनका मीडिया सुबह से शाम तक देता है, लेकिन एक वजीर आजम लेवल के बंदे का इतना नीचा चूट हो सकते हैं दोस्तों, सोच भी नहीं सकते। लेकिन अब क्या हुआ है, आपको ताजा और लेटेस्ट न्यूज बता रहा हूँ दोस्तों। अमेरिका ने पैसे खा लिए हैं $4 बिलियन के करीब, और पैसे खाकर ये नहीं गए कि वो तैयारे और जेट इंजन इन्हें दे दे। उसने कहा है दे दूंगा, लेकिन कब देगा। मोदी ने जैसे कहा था 21वीं सदी हमारी है, असल में वो 21वीं सदी नहीं थी, वो 23वीं सदी थी। 200 साल बाद आपको दे देगा जब दुनिया 20वीं और 30वीं जनरेशन के तैयारे इस्तेमाल कर रही होगी। ये कोई नई बात नहीं है दोस्तों, अमेरिका पैसे लेकर तैयारे फराहम नहीं करता। हमने F-16 लिया है, हमसे पूछते तो सही, पाकिस्तान से कम से कम कॉल करके पूछ लेते कि हम अमेरिका से तैयारे खरीदने वाले हैं, कोई मशवरा दे। तो पाकिस्तान पता है क्या कहता है, पाकिस्तान कहता है कभी भी ना खरीदना, क्योंकि हमारे 1990 के पैसे उन्होंने रोके हुए हैं। जब दिल करता है दो तैयारे बेच देते हैं। चले हमारे पास तो F-16 के बहुत बड़े स्क्वाडन हो गए हैं, हमने एक वक्त गुजार दिया है, हम चाइना की तरफ शिफ्ट हो गए हैं और हमने अपने बनाना शुरू कर दिए। लेकिन शेख रशीद ने कहा था हमने चाट लिया और आप भी चाट ले, ठंडे हो जाएंगे, और आप देखें कि ठंडे होते जा रहे हैं। हमें धमकी देने की क्या जरूरत थी, हम तो अपने घर में बना रहे हैं F-21 के बराबर के तैयारे। धमकी उसे देते जिसके पास कुछ नहीं होता, हमारे पास तुमसे बहुत ज्यादा है दोस्तों। अब इनका रोना धोना सुनिए, अमेरिका ने पैसे देने से इनकार कर दिया। दोस्तों आपके लिए इतनी अच्छी और जबरदस्त न्यूज निकाल कर लेते हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते, जिसकी वजह से बड़े ही कम व्यूज आते हैं। आप कम से कम लाइक तो कर लीजिए ताकि हमें भी हौसला मिलता रहे और हम आपके लिए इस तरह की मजेदार कंटेंट लेकर आते रहें जो हमारे मुल्क के लिए दोस्तों पाकिस्तान के लिए भी अच्छा हो और इन लोगों को एक्सपोज भी करे। ठीक है साहब, ये तो साहब शरेआम डकैती है। ये आप किसी देश का पैसा जो आपकी बैंक में रखा है खा जाओ, अब ये तो साहब घर का राज है ना साहब, ये तो विम्सिकलिटी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर है। मतलब ये वैमनस से तो थोड़ा हद से ज्यादा बढ़ रहा। ये F-404 और F-414 जेट इंजिन्स का हमने उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उनको डॉलरों में हार्ड कैश में पेमेंट दी कि साहब हम अपने देश में अमेरिकन GE-404 और 414 इंजिन्स मैन्युफैक्चर करेंगे, 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगा, और जिसके चलते कि हमारे जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है उसमें ये इंजन लगेंगे और भारत की एयरफोर्स को बहुत इजाफा होगा उसकी ताकत में। 42 स्क्वाड्रन हमें चाहिए, 30 स्क्वाड्रन पर हम हैं, और हमारे पैसे हजम करके खा के अमेरिकन ने अड़ंगे लगाने शुरू कर दिए हैं, वो इंजन नहीं सप्लाई कर रहे साहब। यानी एक जो बड़ा क्रिटिकल क्रूशल आइटम था डिफेंस का, वो जो हमने पहली बार ट्रस्ट किया अमेरिका को, नहीं तो हम केवल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लेते थे, क्रिटिकल जहां पे नुकसान हो सकता है वहां नहीं जाते थे, क्योंकि अमेरिका को कुछ पता ही नहीं साहब, कोई विश्वसनीयता नाम की चीज ही नहीं है। अगर रूस से हमने हथियार खरीदे तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उन्होंने डिलीवर किया, फ्रांस, इसराइल, ये सारे और देशों ने जब भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उस पर ये 16 आने खरे चलते हैं, लेकिन अमेरिका तो अजूबा है साहब, इतना क्रिटिकल इंजन जो आइटम था हमारी डिफेंस के लिए वो देने से मना कर दिया। और हम अब जाके हाफते हुए फ्रांस से साफरान इंजन और न्यूक्लियर सबमरीन इत्यादि खरीदने की कोशिश कर रहे हैं साहब, क्योंकि वो जैसे हेनरी किसिंजर ने बोला था, इट इज डेंजरस टू बी एन एनिमी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स बट इट इज फैटल टू बी अ फ्रेंड। अरे साहब खतरनाक है अमेरिका से दुश्मनी मोल लेना, लेकिन उससे दोस्ती तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है।
और ये तो हमको साबित होता दिखाई दे रहा है। ये हॉस्टिलिटी क्यों है, क्या मैनिफेस्टेशन है हॉस्टिलिटी के? बांग्लादेश में साफ तख्ता पलट कर दिया हसीना वाजिद की सरकार का, जो भारत का बहुत सहयोग देती थी राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों के अंदर, और उन्होंने बताया कि उन पे दबाव था कि साहब मैडम आपकी इलेक्शन सारी हम ठीक कर देंगे, आप जरा मार्टिन सेंट मार्टिन आइलैंड हमको हैंडओवर कर दीजिए, वहां नेवल एयरबेस हम बनाना चाहते हैं बे ऑफ बंगाल में, भारत के पिछवाड़े में, आप हमारी मदद करिए कि एक क्रिश्चियन स्टेट बनाई जाए कुकी लैंड मणिपुर के बॉर्डर पे, ठीक है साहब, और खालिस्तान का कार्ड भारत के खिलाफ प्ले किया जा रहा है। और मैंने बताया सबसे ज्यादा जो स्टैब इन द बैक हुआ है वो तो साहब ये जेट इंजन की डील के ऊपर, साफ मुकर गए, पैसे खा के मुकर गए। तो साहब ये हैरत है पूरे भारतवर्ष में कि साहब जिसको हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर कह रहे थे, दोस्त कह रहे थे, वो हमारे बरखिलाफ ऐसे क्यों वैमनस्य क्यों दिखा रहा है। नंबर एक तो साहब फैक्टर है कि रशिया यूक्रेन वॉर, बाइडेन साहब ने आते ही प्लान बना रखा था कि जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे वो यूक्रेन के साथ डील कर रहे थे, उनको लग रहा था अफगानिस्तान को बेवजह प्राथमिकता दी जा रही है ओबामा काल में, ओबामा शासन काल में, तो पहली चीज तो उन्होंने करी कि ये अफगानिस्तान से विड्रॉ करो, हम रूस के साथ लड़ना चाहते हैं यूक्रेन में और उसकी तैयारी करो, उन्होंने पहला आदेश दिया और ऐसा केओटिक विड्रॉल वहां से हमने आज तक देखा नहीं है। मतलब दुनिया के सामने दुनिया हैरान हो गई जिस तरह से अमेरिका भागा अफगानिस्तान से। तो साहब उस वक्त अमेरिकन ने तकरीबन ये कर दिया कि साहब इफ यू आर नॉट विद अस यू आर अगेंस्ट अस। अब इसके चलते साहब बड़ी पेचीदा असमंजस भारत के लिए पड़ गई। आप ईरान से हमें तेल लेना नहीं देना चाहते, वहां आप सैंक्शन लगाते हैं। पहले सबसे ज्यादा तेल हमारा ईरान से आता था, सबसे नजदीकी सोर्स वो है, सबसे सस्ता सोर्स वो है, वहां से हम नहीं खरीद सकते। रूस है, रूस से हम नहीं खरीद सकते, आप नहीं चाहते हम रूस से खरीदें, यूरोप खरीद रहा है, जो लड़ाई कर रहा है रूस के बरखिलाफ यूक्रेन के जरिए, वो खरीद रहा है तेल, वो खरीद रहा है, भारत को रोक लगा दी। तो ये भारत भी परेशान हो गया साहब, काफी हो गया आपके सैंक्शंस को हम ऑनर करते करते, अपना सवा सत्यानाश भट्टा नहीं बिठा सकते अपनी इकोनॉमी का आपको खुश करते हुए, क्योंकि आप तो खुश हो गए नहीं कभी। तो भारत ने कहा कि नहीं साहब हम तो रूस से तेल खरीदेंगे। तो अब साहब वो जो है हमने कहा कि साहब हम पहले काटसा लगने के पहले हम S-400 की डील साइन कर सकते हैं, हम नहीं मुकर सकते, आप हमको वेवर दीजिए। तो उनको भारत की प्राथमिकता देखते हुए देनी पड़ी। लेकिन अब तो साहब ये तो पूरे वैमनस्य के साथ हम पे टूट पड़े हैं, ये तो दे आर शॉर्ट ऑफ हॉस्टिलिटी का लेवल अमेजिंग हो गया है। जितना नुकसान कर सकते थे भारत का उतना वो कर रहे, क्यों? सवाल आता है साहब ये क्यों हो रहा है। एक तो मैंने बताया रीजन रशिया यूक्रेन वॉर, उसके अलावा एक और रीजन है और वो क्या है, जो आने वाली ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस है 22-23 को जो कजान में कॉन्फ्रेंस हो रही है ब्रिक्स की, यानी कि ब्राजील रशिया इंडिया चाइना, जिसमें अब सऊदी अरेबिया और देश तुर्की वगैरह भी जुड़ना चाहते, क्योंकि ये बड़ा G7 के बरखिलाफ एक स्ट्रॉन्गर ब्लॉक के रूप में उभर कर आ रहा है, इकोनॉमिकली ज्यादा हेफ्ट है ब्राजील के और ये ब्रिक्स के ग्रुपिंग के अंदर। और क्या डिस्कस होने जा रहा है साहब, डी डॉलराइजेशन। देखिए साहब अमेरिका क्या डॉलर ग्लोबल रिजर्व करेंसी है World War II के बाद से, और जब से ये है साहब तो हमने देखा है एक मनमानी चल रही है जो कि बढ़ती जा रही है इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम्स में और कमर्शियल सिस्टम्स में, ग्लोबल जो नेटवर्क्स हैं उनके अंदर एक मनमानी चल रही। रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, $300 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व्स जो कि रूस का था हड़प लिया, खा लिया, बेकार नहीं लिया, ये तो हमारा है। और जो उसके ऊपर 5 बिलियन जो इंटरेस्ट बना वो उठा के यूक्रेन को दे दिया कि रूस से लड़ो रूस के पैसे से।